ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुजमे संत शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठिन्नरा सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगस्त के मध्यकाल में वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह योग किस प्रकार के बन रहे हैं। देखिए, वृश्चिक जो ये जो अगस्त का मध्यकाल है इसके अंदर ग्रहों का योगायोग वृश्चिक वालों को समझना चाहिए कि उनके राशि के स्वामी जो है मंगल, वो बृहस्पति के साथ योग जो बना रहे हैं और उसमें बृहस्पति के अंशों से वो आगे निकलते चले जाएंगे, दिखाई देंगे इसमें। और बृहस्पति के साथ चलते हुए मंगल जब बृहस्पति से पीछे होते हैं तो ये एक तरह से विवादास्पद स्थिति उत्पन्न करने के योग देते हैं, झगड़े उत्पन्न करने के योग देते हैं। यदि आप देखें, जब से बृहस्पति और मंगल की युति हुई है और बृहस्पति आगे है और मंगल पीछे पीछे हैं, तो पूरे विश्व में कई जगहों पर कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। अब मंगल आगे हो जाएंगे, मंगल आगे हो जाएंगे तो एक तरह से वो स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का योग बनेगा। बृहस्पति और मंगल की युति कहीं ना कहीं ठीक होती दिखाई दे रही है और आपकी राशि के सम्मुख ये योग बन रहा है। तो जान लीजिए सिलसिलेवार तरीके से अगस्त के मध्यकाल में ग्रहों का योगा योग आपके लिए क्या कुछ करता दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें 11 अगस्त की, तो उस दिन रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है और तुला राशि में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करते दिखाई देंगे। हर चीज़ के अंदर आपको ये दिखाई देगा कि हमको बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। 12वें भाव में गया हुआ चंद्रमा थोड़ा सा कष्टकारी होता है और उस दिन बुध भी अस्त होने के योग बना रहे हैं सिंह में चलते हुए, यानी आपके दशम भाव में चलते हुए बुध अस्त हो जाएंगे शाम को 6:05 पर। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपनी चीज़ों को मैनेज करने में आगे आने वाले दिनों में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। तो आपको चीज़ों को ठीक करने के लिए थोड़ा बुद्धि का उपयोग और ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए, झगड़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। मंगल बृहस्पति की सप्तम भाव में युति कहीं ना कहीं अननेसेसरी के क्लैशों को बढ़ाने के योग देती है, तो उसके लिए अच्छा ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। 12 तारीख के दिन बात करें, सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि वृद्धा के रूप में है, यानी थोड़ी सी बढ़ गई है, वृद्धि की तरफ चली गई है। तो सोमवार को भी उदया तिथि सप्तमी, उसके बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा। उस दिन भद्रा का योग भी बनता है जो सुबह 7:55 से लेकर करीब करीब रात को 9:45 तक रहेगी। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। सावन का सोमवार है, चतुर्थ सोमवार पड़ रहा है, ये बहुत सुंदर योग है। सोमवार और साथ साथ अष्टमी, दुर्गा अष्टमी का योग भी पड़ गया है, तो ऐसे में भगवान का स्तवन समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनाएगा। ग्रह योग आपके लिए थोड़े से भारी चलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भगवान की यदि स्तुति सुबह सुबह कर लें, सोमवार के दिन भगवान का अभिषेक करें, उनका पूजन करें, तो उनके रास्ते उनकी कृपा से बहुत सारे आपके कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। तो भगवान का अभिषेक कीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि पे सोमवार का पूरा जो सावन का अवसर रहा है, तो उसमें पूरे सावन में नित्य प्रति रुद्राभिषेक चल ही रहा है। तो यहाँ आज विशेष कार्यक्रम रहेगा, शाम के समय प्रदोष काल में आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और आपकी राशि के अनुसार से हमने आपको बता ही दिया है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति थोड़ी ढीली है, तो उसमें विशेष तौर पर भगवती का स्तवन, भगवान शंकर का अभिषेक करना आपके लिए उपयुक्त दिखाई देता है। 13 तारीख मंगलवार, अष्टमी तिथि का सुंदर योग, उदय तिथि के रूप में अष्टमी योग विद्यमान है और साथ साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह 6:10 पर चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में जब आते हैं तो थोड़े शीर्ण रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, लेकिन आपके लिए एक तरह से कमज़ोर होते हुए भी फिर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएंगे। रवि योग है, नए कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। सुबह 10:47 से आरंभ होकर पूरे शाम तक ये मुहूर्त रहेगा, तो नए कार्यों आरंभ करने के आप योग बना सकते हैं। अच्छा रहेगा कि इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल इन दिनों थोड़े से अशांत हैं बृहस्पति के साथ चलते हुए, तो उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए आपको रास्ता मिल सकती है। 14 तारीख का अवसर, बुधवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है, जो करीब करीब 12:15 तक दोपहर तक विद्यमान रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कुछ नया विचार मन में उत्पन्न होता दिखाई देगा और उसके द्वारा आपके लिए कुछ रास्ता बनता दिखाई देगा। देखिए, शनि महाराज इन दिनों चल रहे हैं वक्री, और साथ साथ जिस प्रकार का बाकी ग्रहों का योग चल रहा है, राहु महाराज बुद्धि में चल रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने गुरु का साधन
साधने का प्रयास करें, भवानी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें, और हो सके तो गाय का पूजन करें, गाय को पालक दें, ये आपके लिए अच्छे योग दिखाई देते हैं। इसके द्वारा आपके लिए कोई रास्ता बन सकता है, क्योंकि बुध भी चल रहे हैं अस्त, और बुधवार के दिन भगवान शंकर पर बिलपत्र अर्पित करना और गाय को पालक खिलाना, ये बुध की शक्ति को बढ़ाने के लिए सुंदर उपाय होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 15 अगस्त की बात कर लें तो बृहस्पतिवार के दिन दशमी तिथि के साथ बड़ा सुंदर योग बन रहा है, उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी है, धनु राशि में जो चंद्रमा का पदार्पण होने के योग बन रहे हैं, और साथ साथ उस दिन ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से योग रवि योग भी विद्यमान है, जो करीब करीब दोपहर के एक बजे तक विद्यमान रहेगा। ग्रह दृष्टिकोण से दिखाई देते हैं कि चंद्रमा का परिवर्तन करना आपके लिए अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं से सम्मान प्राप्त करने के योग बन सकते हैं, और ऐसे में बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लेकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात और ध्यान रखें, 15 और 16 तारीख को ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र का योग है, जो जातक इस समय में जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए, वो अच्छा रहता है, नहीं तो जीवन में कष्ट होने के योग बनते हैं। 16 अगस्त की दिन बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर एकादशी सुंदर तिथि है, और इस दिन सूर्य का परिवर्तन करने का योग बन रहा है। ये सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य स्वग्रही होकर आपके दशम भाव में विराजमान होने वाले हैं और शनि के बिल्कुल सम्मुख आ जाएंगे। शनि वहां पर ताकत में बैठे हैं, सूर्य भी ताकत में बैठे हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि अननेसेसरी के ये जहां पर अपने पद को प्राप्त करने के लिए, सम्मान को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा बैलेंस होकर चलने की जरूरत रहेगी। पुरानी बातों को अनुभव लेते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य संक्रांति करीब करीब शाम को 7:45 के आसपास हो रही है, तो ऐसे में इस शुभ तिथि में संक्रांति के अवसर पर आपको गेहूं का दान करना चाहिए, यह बड़ा अच्छा रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। यदि हम बात करें 17 तारीख शनिवार की, तो उस दिन द्वादशी तिथि है, मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश है शाम के समय, यह आपके पराक्रम को बढ़ाने के योग बना सकता है, और साथ साथ शिव की उपासना से किस्मत जागने के योग बनते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि उस दिन प्रदोष का योग भी बन रहा है, शनि प्रदोष का योग बन रहा है, और इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन त्रयोदशी तिथि क्षय हो गई है, तो नए कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रदोष इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से समझें कि शनि प्रदोष का जो योग है, ये शनि को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है, तो जब शाम का समय हो जाए तो उस समय भगवान शंकर का अभिषेक, तेलाभिषेक करने का प्रयास करें, ये आपके लिए उन्नति के योग बनाएगा, अननेसेसरी के शत्रुओं को समाप्त करने के योग बनाएगा, और साथ साथ आपके जीवन में उन्नति के योग बन सकते हैं, तो आपको इसका सदुपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि अभी करीब करीब 2-3 महीने वक्री चलने 15 नवंबर तक, तो ऐसे में ये सुंदर योग बना है, क्षय तिथि के दिन त्रयोदशी क्षय होते हुए भी ये शनि प्रदोष का जो योग बना है, इसका लाभ आप ले सकते हैं, अवश्य करने का प्रयास करें। 18 तारीख की हम बात करें, शनि रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, और आपके राशि के अनुसार से ग्रह नक्षत्र देखें तो सूर्य इत्यादि के साथ जो सुंदर योग बन रहा है, सूर्य शुक्र बुध तीनों के तीनों अब जो हैं वो आपके राज्य स्थान पर बैठकर सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत सारा लाभ दे सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित होने के योग बन सकते हैं, तो आपको ऐसे में अपनी शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, अपने संपर्क को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसे में सूर्य का ध्यान करते हुए, सूर्य का जल देते हुए कार्य दिन आरंभ करें, ईश्वरी कृपा से रास्ता बनेगा। 19 तारीख का अवसर सोमवार, रक्षाबंधन का सुंदर पर्व, पूर्णिमा तिथि है, उस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें कि आपकी राशि के अनुसार से भी ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है, वो आपके लिए आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के योग बनाता दिखाई देगा। राखी का सुंदर पर्व जो पड़ रहा है, इसमें एक बात ध्यान रखें, जो राखी है वो करीब करीब दोपहर को 1:30 बजे तक भद्रा का योग दिखाई देता है। कई लोगों की मान्यता है कि भद्रा के अंतर्गत जो श्रावणी इत्यादि कर्म है वो नहीं करना चाहिए, श्रावणी के कर्म में जो जिसमें यज्ञोपवीत इत्यादि परिवर्तन करने का जो भगवान ऋषभ ऋषि पूजन होता है, वो श्रावणी का समस्त कर्म करीब करीब 1:29 के बाद ही करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें पूजन जो सप्तऋषि पूजन होता है वो दोपहर को 1:30 बजे के बाद करना अच्छा रहेगा। सत्यव्रत है, भगवान का पूजन करने का अवसर है, पूर्णिमा है, तो इस सबका उपयोग करते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। राखी के संबंध में एक बात समझें, बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि राखी जो है, राखी श्रावणी नहीं है, श्रावणी जो है वो विशेष तौर पर श्रावणी के लिए भद्रा का निषेध बताया गया है, लेकिन राखी एक पारंपरिक त्यौहार है, तो उसके लिए कई लोग इस प्रकार से फंस जाते हैं कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, तो इस कार्य को हमें जो राखी है वो रक्षा सूत्र है,
रक्षा सूत्र तो जब आवश्यकता हो तब बांधने का हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग विचित्र विडंबना के साथ साथ श्रावणी कर्म को, जहाँ श्रावणी और के संबंध में कहा गया कि भद्रांते श्रावणी कर्म करने की बात की गई है, वो भद्रा के वो श्रावणी के लिए की गई है, लेकिन रक्षा सूत्र तो जब भी आवश्यकता है। अब मुझे बताइए कोई अति आवश्यकता के अंदर ये संवर्ग इसको रक्षा सूत्र बांधने की बात होती है, क्या उसमें भद्रा का दोष देखने की ज़रूरत है? तो ये परंपरागत बात है, तो इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना, जो जो शास्त्र के अनुसार बात है वो हमने आपके समक्ष रखी, उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आखिरी सोमवार है सावन का और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सोमवार पर भी विशेष रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है, आप आश्रम में जुड़ सकते हैं उस कार्यक्रम में, आपके लिए कल्याणकारी अवसर योग बनता दिखाई दे रहा है। 20 अगस्त की बात करें तो मंगलवार का अवसर, भाद्रपद का महीना आरंभ हो रहा है और इस दिन गुरु बृहस्पति जो है मृक्षरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ चलते हुए बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण लाभ देने की स्थिति आगे आने वाले टाइम में बनाते दिखाई देंगे और इसका लाभ आप यदि लें तो इसका ध्यान करते हुए कार्य करें, आगे ग्रह के परिवर्तन का योग बहुत विशेष बनते दिखाई दे रहे हैं, उसके अनुसार से चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सिलसिलेवार तरीके से ज्योतिष के दृष्टिकोण से तिथियों के हिसाब से आपके लिए ग्रहों का योग योग क्या है वो आपने समझा, इसके अनुसार से इन सब चीज़ों को समझते हुए भी ज्योतिष के साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए बाकी ग्रहों के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों का योग योग किस प्रकार का है। नक्ष आपकी विशेष तौर पर ये समझें कि दशाएं अंतर दशाएं जो जिस प्रकार से चल रही हैं उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है और उन सब चीज़ों को समझते हुए हमें उनके उपाय समय को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। जो राशि के अनुसार से कॉन्सेप्ट है वो विशेष तौर पर गोचर का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि आमतौर पर कई लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से ही आएगा, कई लोग इस बात को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं नहीं राशि का प्रभाव कुछ नहीं होता, राशि का प्रभाव ही है सब कुछ, गोचर का दृष्टिकोण देखेंगे किससे, गोचर का प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से ही देखने को मिलेगा, लेकिन अब उसमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि आपकी राशि या लग्न या कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है और कहां से उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से देखने कुंडली को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे समझते हुए देखते हुए चीज़ों को कार्य करने का प्रयास कीजिए, हम समय समय पर आपके समक्ष आते ही रहते हैं और बहुत सारे उपाय बताने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे तिथिवार के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या है उसको समझाने का प्रयास करते हैं और विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है, समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते ही रहते हैं। भगवती का श्री विग्रह जो यहाँ उपस्थित है मंदिर में, 1947 में मुल्तान से आया हुआ श्री विग्रह, उनके सानिध्य में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और आप भी स्वयं हर रविवार को इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सावन के पूरे महीने में नित्य प्रति शाम को रुद्राभिषेक चल ही रहा है, आप उसमें भी हमारे साथ उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आश्रम के फ़ोन नंबर्स आपके समक्ष चलते ही रहते हैं, उन पर आप संपर्क साधेंगे और जो भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन सब नंबरों के माध्यम से आप आ सकते हैं।